हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फर्स्ट टू फिफ्थ। इफ यू आर फर्स्ट ऑन माय चैनल सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आज हम क्लास थर्ड एनसीईआरटी का यूनिट 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि एक स्टोरी है, द इनॉर्मस टर्निप। व्हाट इज टर्निप? टर्निप हम बोलते हैं सलजम को, है ना। आपने बीट रूट देखा है, उसी की तरह ये लगता है। बीच में होता है वाइट वाइट और साइड साइड में पिंक पिंक होता है। ओके, सो स्टार्ट आवर स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति था। यस, एक बूढ़ा आदमी था। उसने क्या किया, टर्निप के सीड्स को लैंड पर बिखेर दिया। यस, इससे कि वो एक दिन बहुत बड़ा प्लांट बन गया। हमने इस चैप्टर, इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ना, कैसे छोटा सा सीड धीरे धीरे ग्रो करता है और एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। सो इस ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने टर्निप के सीड्स को लैंड पर बिखेर दिया और वो क्या हो गए, फिर वो एक दिन बड़ा सा प्लांट बन गया। द टर्निप सीड्स ग्रो, वो क्या होने लगा, ग्रो करने लगा। द टर्निप सीड्स ग्रो एंड ग्रो, वो धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो करने लगा, बढ़ने लगा और बड़ा सा प्लांट बन गया। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। फिर वो बूढ़ा आदमी क्या बोलते है कि मैं क्या चाहता हूँ, ये जो प्लांट है टर्निप का, इसको पुल करना चाहता हूँ, उसको बाहर निकालना चाहता हूँ अर्थ में से। पुल में खींचना, उखाड़ देना। ओके, सो वो क्या चाहता है, आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। उस, ये इनॉर्मस क्या है, इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा। ओके, सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। उसने बहुत कोशिश की पुल करने की, बहुत खींचा, बट वो उससे नहीं निकला, वो थक गया। फिर एन ओल्ड वुमेन केम। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। फिर वहां पर क्या हुआ, एक ओल्ड वुमेन, अभी कौन था, एक बूढ़ा आदमी था, जो उसको सलजम के, टर्निप के प्लांट को क्या कर रहा था, खींच रहा था, बाहर निकाल रहा था। फिर एक लेडीज आ रही थी, जो कैसी थी, ओल्ड थी, ओल्ड वुमेन जा रही थी। उसने देखा ये क्या कर रहा है, तो फिर उसने, जो बूढ़ा आदमी था, उसने बूढ़ी औरत से बोला कि मैं इसको खींचना चाहता हूँ, बाहर निकालना चाहता हूँ अर्थ में से। फिर जो ओल्ड वुमेन थी, उसने बोला ओके, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ठीक है, आई विल हेल्प यू, सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन ने क्या कहा, बूढ़ी औरत ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ इसको बाहर निकालने में। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। उन दोनों ने बहुत ट्राई किया और बहुत कोशिश की उसको बाहर निकालने के साथ में, बट वो नहीं निकला। अ बॉय केम, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन। वहां से फिर क्या हुआ, एक बॉय जा रहा था, यंग बॉय वो जा रहा था। फिर ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने उससे क्या बोला कि हम इस टर्निप के प्लांट को बाहर निकालना चाहते हैं, बट ये हमसे नहीं निकल रहा। फिर जो बॉय है वो कहता है, आई एम अ यंग बॉय, मैं हेल्प करता हूँ, तभी निकल जाएगा। फिर वो क्या कहता है, आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय, है ना। बॉय ने क्या कहा, मैं हेल्प करता हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। जो बूढ़ा आदमी था और बूढ़ी औरत थी और जो बॉय था,
उन्होंने बहुत ट्राई किया, बट जो इनॉर्मस टर्निप नहीं निकला क्योंकि वो बहुत बिग था। अ गर्ल केम, वी वांट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय। वहां से फिर एक गर्ल जा रही थी, तो फिर बॉय ने उसको देखा और क्या बोला कि हम इस टर्निप के प्लांट को बाहर निकालना चाहते हैं, क्या तुम हमारी हेल्प करोगी? सो उसने कहा यस आई विल हेल्प यू। जो गर्ल थी उसने भी फिर उन लोगों की हेल्प की। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड अप केम द इनॉर्मस टर्निप। कौन कौन था? द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, यंग बॉय और एक यंग गर्ल, उन चारों ने मिलकर बहुत ट्राई किया। फिर क्या हुआ? जो टर्निप का प्लांट था वो बाहर आ गया। यस, है ना, जब हम मिलकर कुछ करते हैं ना फिर वो बहुत इजीली हो जाता है वो काम। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल एंड दे डिड। जो बॉय था, जो बूढ़ी औरत थी और जो गर्ल थी, उन सब ने कहा अब तो हम इसको मिलकर खाएंगे क्योंकि हमने भी तो हेल्प की है इसको निकालने में। और उन्होंने क्या किया? सबने मिलकर खाया। यस, अच्छी थी ना स्टोरी? सो आप अब क्या करोगे? आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? आप हमेशा सबकी हेल्प करोगे। ओके, सो द मोरल ऑफ स्टोरी इज यू शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स। ओके, सो अब हम इस स्टोरी की समरी देख लेते हैं। द स्टोरी इज अबाउट हेल्पिंग अदर्स। इट टॉक अबाउट ओल्ड मैन हु ग्रोज एन इनॉर्मस टर्निप इन हिज गार्डन and is not able to pull it out. So an old lady, a small boy and a small girl help him to do so, and then they all enjoy the turnip together. है ना, क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा आदमी था, उसने कुछ सीड बिखेर दिए थे टर्निप के, फिर वो एक बहुत बड़ा प्लांट बन गया था। उसको लैंड से बाहर निकालने के लिए उसने एक बूढ़ी औरत की हेल्प ली, एक बॉय की ली, एक गर्ल की ली, है ना। फिर उन्होंने सबने मिलकर उसको बाहर निकाल लिया और सबने फिर उसको ईट किया, मिलकर खाया। सो कुछ हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस मीन्स बिग, बहुत बड़ा। टर्निप मीन्स सलजम। पुल, पुल मीन खींचना, अपनी ओर खींचना। आपने देखा होगा, आप कभी कभी किसी शॉप पर जाते होंगे, उस पर जो डोर होता है उस पर लिखा होता है पुल एंड पुश। ओके, सो पुल लिखा होता है मीन्स हमें अपनी तरफ उसको खींचना है, पुश होता है फिर वो अंदर की तरफ पुश करना होता है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर। So question number 1 is, what did the old man plant? जो old man था उसने क्या plant किया? The old man planted turnip seeds. उसने turnip के जो seeds थे उनको plant किया था। Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? It was difficult to pull out the turnip. क्यों नहीं वो उसको बाहर निकाल पा रहा था? Because it grew and became enormous. क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लांट बन गया था, इसलिए जो ओल्ड मैन था वो नहीं निकाल पा रहा था अकेले उसको। Okay, question number 3. Who helped him to pull up द इनॉर्मस टर्निप? किसने किसने हेल्प की ओल्ड मैन की?
आप बताओ। एन ओल्ड मैन, इसकी हेल्प किसने की ओल्ड मैन की? ओल्ड वुमन। अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल आउट द टर्निप। क्वेश्चन नंबर 4, हु एट द इनॉर्मस टर्निप? जो इनॉर्मस टर्निप था उसको किस किसने खाया? द बॉय, द गर्ल एंड द ओल्ड मैन एंड वुमेन एट द टर्निप। उन सब ने मिलकर टर्निप को खाया ना? ओके, कुछ होमवर्क है आपके लिए। कैन यू नेम सम वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड सम दैट ग्रो अबव इट? आपको कुछ ऐसे वेजिटेबल्स के नेम बताने हैं जो कुछ जो लैंड है उसके अंदर उगते हैं और कुछ लैंड के बाहर उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लैंड के ऊपर उगते हैं वो कौन कौन से हैं? टोमेटो, आपने देखा होगा ना, ब्रिंजल, लेडी फिंगर। और जो लैंड के नीचे उगते हैं वो कौन कौन से हैं? कैरट, रेडिश, अनियन, पोटैटो, टर्निप। ओके, इनको आपको लिस्ट बनाकर लिखने हैं। यू हैव टू मेक अ लिस्ट अबाउट सम वेजिटेबल दैट ग्रो अबव एंड सम दैट ग्रो बिलो द लैंड। ओके, आपको एक लिस्ट बनानी है। नाउ हम कुछ अपोजिट्स देखते हैं। पुल, पुश। पुल मीन्स अपनी ओर खींचना, पुश मीन्स अंदर की ओर। ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला। व्हाइट, सफेद। ट्रू, एकदम सही। फॉल्स, रॉन्ग मीन्स गलत। राइट, अब राइट के टू अपोजिट्स हैं। एक तो राइट है साइड वाला, कि आपका राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है ना, सो उसके अकॉर्डिंग तो राइट का लेफ्ट हो जाएगा। इवन जो राइट होता है एक वो होता है, मीन्स आपका आंसर राइट है, सो उसका हो जाएगा रॉन्ग। फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास। डार्क अंधेरा, लाइट मीन्स बहुत सारी रोशनी। गुड अच्छा, बैड बुरा। अप ऊपर, डाउन नीचे। ओल्ड मीन्स पुराना, न्यू मीन्स नया। ओके, सो ये हमारे अपोजिट्स हैं, इनको आप एक बार और पढ़िएगा ठीक से। ओके, एक एक्टिविटी और है हमारे पास। इसमें क्या है, आपको ना कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें हमें एक और छाटना है, एक कुछ एक डिफरेंट है ना, देखते हैं। नंबर 1 क्या है? टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरट, ब्रिंजल। सो इसमें क्या डिफरेंट है, क्या अलग है? सनफ्लावर तो हमारा फ्लावर है ना, और ये सब तो वेजिटेबल है, सो इसमें क्या है और सनफ्लावर। नंबर 2, काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, गारू, मेलन। ये सब तो एनिमल्स हैं, और जो मेलन क्या है, ये तो फ्रूट है। ओके, नंबर 3, बैनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। ये तो सब ट्री के नेम हैं। ये स्नैक, स्नैक डिफरेंट है। नंबर 4, रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। रोज, लिली, सनफ्लावर, ये तो सारे फ्लावर्स हैं, और जो कॉलीफ्लावर है वो क्या है, एक वेजिटेबल है। नंबर 5, पीकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर। इसमें तो हमें सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, पर जो लिजर्ड है वो बर्ड्स नहीं है, सो लिजर्ड आउट हो जाएगा। ओके, सो ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।